लोकसभा चुनावों से पहले दूसरे दलों के कार्यकर्ता और नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष यूनुस चौधरी, कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महामंत्री शांति रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। आम आदमी पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि वह प्रदेश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं। पूरी लोकसभा, टिहरी लोकसभा के बाद हमारा ध्यान अब अल्मोड़ा नैनीताल लोकसभा पर बढ़ा है और आज बड़ी संख्या में वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लीडर थे, अनेकों दलों के लीडर थे, वो हमारे साथ जुड़े हैं और ये कुनवा बढ़ता चला जाएगा। मतदान से एक दिन पहले तक हम अनेकों लोगों को जोड़ेंगे, सबके दरवाजे खुले हुए हैं, बड़ी संख्या में बातचीत हो रही है। संख्या हमारी अब लगभग, आज तो मैं कहूँगा अब 11,000 क्रॉस कर जाएगी, तो दूसरे दलों के लोगों का जोड़ने का क्रम लगातार चलता रहेगा। मैंने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश में चहुंमुखी विकास और देश में चहुंमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाते हुए जिस तरह से इस देश में विकास हुआ और जिस तरह से आज विकास की गति बढ़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित में हुआ G20 से, जो G20 हमारे देश में हुआ, तमाम विश्व के लोग हमारे देश में आए, हमारे भारत में आए, और उन्होंने भी माना कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जिस तरह से हमारे देश में बहुत तेजी से काम हुए हैं, उन सबसे प्रभावित होकर मैंने BJP की सदस्य आज ज्वाइन की है।